जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं मित्रों, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलते हैं, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं मित्रों आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। जो मानव की खोपड़ी होती है मित्रों, मनुष्य की खोपड़ी, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, आपने याद रखना है। मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, आपने याद रखना है। और 72 से अधिक बार भी धड़कता है कि जब कोई व्यक्ति अधिक कार्य करता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई वजन का कार्य करना, तो उसमें जो धड़कन होती है मित्रों, उसमें धड़कन 100 प्लस हो जाती है, 100 प्लस में हो जाती है, तो आपने याद रखना है। सामान्य नॉर्मल व्यक्ति की धड़कन है 72 बार पर मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सुसंदर, जो स्वस्थ मनुष्य होता है मित्रों, स्वस्थ मनुष्य की सुसंदर 16 से 18 बार होती है, अपने याद रखना है। सुसन जो है, मनुष्य एक बार में 16 से 18 बार, एक मिनट में 16 से 18 बार सांस खींचता है अपने अंदर। अगला प्रश्न बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही आंसर है, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ये तो हो गया कि पुरुष का जो मस्तिष्क का वजन होता है मित्रों, वह 1350 से 1400 तक होता है। महिलाओं के मस्तिष्क की बात करें तो इनका होता है 1250 से लगभग 1300 ग्राम तक, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है मित्रों, ये फीमर होती है, और कहाँ पाई जाती है? जांग में। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, मित्रों को वीडियो भेजें, जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो से पढ़ सकें। आगे बात करते हैं, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में, यानी कान में पाई जाती है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है, सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे जो मजबूत हड्डी होती है मित्रों, ये जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है वह सबसे मजबूत होती है, आपने याद रखना है। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वह एनामेल है। जो एनामेल होता है मित्रों, ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। अगला प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है, यानी मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन है मित्रों, वह किसके अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है इसका, केलोलॉजी के अंतर, केलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के शरीर का अध्ययन किया जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जो सामान्य मनुष्य होता है मित्रों, इसका रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर तक। सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, ठीक है, ये 120 से 80 तक होता है, आपने याद रखना है, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। कितना होता है? 120 से 80 तक, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर के अंदर जब रक्त परिभ्रमण करता है, राउंड करता है पूरे शरीर में नसों के माध्यम से, तो उसमें कितना समय लगता है? 23 सेकेंड का समय लगता है रक्त के परिभ्रमण करने में, शरीर के अंदर घूमने में 23 सेकेंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा की बात करें तो कितना होता है? जल 65 से लगाकर 80% तक मानव शरीर में जल होता है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर में 65 से 80% जल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त में, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, जो रक्त की मात्रा होती है मतलब शरीर के भाग का कितना होती है, भार का कितना होती है? तो सही आंसर 7%, शरीर के भार का 7% शरीर में रक्त होता है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है,
मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, अपने याद रखना है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव का खून होता है मित्रों, रक्त होता है, इसका पीएच मान होता है 7.4। आपने याद रखना है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। आगे बात करेंगे, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? शरीर के जो अनेक पुर्जे हैं तो उसमें से एक ऐसा भी पुर्जा है जो रक्त को शुद्ध करता है, जिसका नाम है किडनी, जिसका नाम है किडनी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं लाल रक्त कण का निर्माण। जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी होती हैं, आरबीसी, इनका निर्माण कहां पर होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, लाल रक्त कण का जीवन काल की बात करें तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से लगाकर 120 दिन तक होता है, आपने याद रखना है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है मित्रों? 20 से 120 दिन तक होता है, आपने याद रखना है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो WBC होती है, WBC, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। कितना मित्रों? 2 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, श्वेत रक्त कण का को कण कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। जो श्वेत रक्त कण होता है मित्रों, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला प्रश्न है मित्रों, लाल रक्त कण को कहा जाता है, जो लाल रक्त कण होते हैं मित्रों, इनको क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका मित्रों एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, आपने याद रखना है, जिनको एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सभी लोग वीडियो को मित्रों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।